आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज हम आपको खबर अशांत हो चुके पारसनाथ की दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पारसनाथ इन दिनों अशांत है। जो पारसनाथ शांति के लिए जाना जाता था, अब वहाँ अशांति छाई हुई है। जी हाँ, पारसनाथ में इन दिनों विवाद बेहद ही गंभीर रूप से गहराया हुआ नजर आ रहा है। पारसनाथ में इन दिनों दो समुदाय आपस में विवाद के रूप में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो समुदाय हमेशा से एक भाईचारे को लेकर चलता आया है, अब वहाँ विवाद शुरू हो गए हैं। जिन दो समुदाय के बारे में आपको हम बता रहे हैं, उन समुदाय के बारे में आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। एक समुदाय जैन समुदाय है, दूसरा आदिवासी समुदाय है। जी हाँ, दोनों समुदाय के बीच में अब कलह हो गए हैं। एक तरीके से समझेंगे तो लगातार कई वर्षों से साथ रह रहे, धार्मिक रूप से एक ही स्थल पर पूजा पाठ करने वाले और एक दूसरे का सहयोग करने वाले भाई अब नाराज हो गए हैं। शायद यही वजह है कि अब पारसनाथ में दोनों आपस में लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस लड़ाई की वजह को हम समझेंगे इस रिपोर्ट में। उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस पारसनाथ के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वहाँ जैन धर्म के लिए बेहद ही बड़ा पवित्र स्थल है। जैसा कि आप नेशनल मीडिया से लेकर तमाम लोकल मीडिया में आप इन दिनों जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थल पारसनाथ की खबर देख रहे होंगे कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पारसनाथ में मोक्ष की प्राप्ति की थी। शायद यही वजह है कि जैन धर्म के लिए ये बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण स्थल है। और जिस विशेष और महत्वपूर्ण स्थल पारसनाथ की जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, उसी महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल की बात का जिक्र मरांग गुरु यानी आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं। आदिवासी समाज ये वही समाज हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं और पारसनाथ पर्वत को भी ये पूजते हैं। शायद यही वजह है कि आदिवासी समाज के लोग ये बात का दावा कर रहे हैं कि पूरा पारसनाथ हमारा है। लेकिन पारसनाथ की हकीकत और इसके धार्मिक रूप से चल रहे राजनीति को हमने जब गौर से देखा तो हमें पता चला कि यहाँ तो सिर्फ राजनीति हो रही है, वो भी धार्मिक रूप से। क्योंकि जब दोनों साथ में पूजा कर सकते हैं तो फिर विवाद किस बात का है। आदिवासी समाज के कई ऐसे संगठन हैं, वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू समाज के लोगों ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार आदिवासी समाज को भी एकजुट होकर पारसनाथ के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे लड़ाई में नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि एक तरफ जैन धर्म है, ये जैन धर्म की अगर हम बात करें तो भारत में ये अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक माना जाता है। तकरीबन 0.37% की आबादी वाले जैन धर्म की अगर भारत में हिस्सेदारी की बात करें तो इनका कुछ जो योगदान है उसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। दरअसल 25% GDP का सिर्फ जैन धर्म के लोग हिस्सेदारी निभाते हैं। आपको बता दें कि 33% ज्वेलरी के बिजनेस में हिस्सेदारी जैन धर्मियों का है। साथ ही 50% डायमंड के कारोबार में भी अकेले जैन धर्म के लोग ही हिस्सेदारी निभाते हैं। साथ ही 20% का रियल एस्टेट में इनका दबदबा है। यानी 25% GDP के साथ जैन धर्म जिस तरीके से भारत में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की नींव को और भी मजबूत करने में जुटा है, उसे सरकार शायद नकार नहीं पाएगी। क्योंकि इसमें मामला पूरी तरीके से धार्मिक राजनीति जैसा दिखाई दे रहा है। धार्मिक राजनीति इसे कह सकते हैं क्योंकि इसमें अब राजनीति धीरे धीरे सुलग रही है। पारसनाथ का क्या होगा ये भविष्य के गर्द में है, लेकिन पारसनाथ इन दिनों अशांत है और इसे फिर से कौन शांत करेगा, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। समाधान इंडिया ने पारसनाथ को लेकर आप लोगों के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि कल ही जब समाधान इंडिया की टीम पारसनाथ पहुंची तो वहां के हकीकत को हमने समझने का और परखने का प्रयास किया, जिससे कई चीज़ें स्पष्ट होती है कि आखिर कैसे धार्मिक राजनीति का रूप देकर अब भावनाओं के साथ दो समुदाय के बीच लोग खेल रहे हैं और पारसनाथ को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर पारसनाथ किसका है, ये भी अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पारसनाथ का विवाद गहराता जा रहा है। बीते कुछ दिनों पहले पारसनाथ पर्वत में स्थित जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थल संबेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद पूरा जैन समुदाय गोलबंद हो गए। देश के अलग अलग कोनों में जैन समुदाय ने संबेद शिखर जी के पर्यटन स्थल से हटाकर तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की। इस पर सरकार को भी गंभीर होना पड़ा। संबेद शिखर जी से पर्यटन स्थल को हटाकर तीर्थ स्थल घोषित किया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से जहां जैन समाज संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, वहीं अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है।
अब इसमें जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। दरअसल जिस संबेद शिखर जी को लेकर जैन धर्म के लोग वर्षों से 24 में से 20 तीर्थंकर के पवित्र स्थली के रूप में पूजा अर्चना करते आए हैं, उसी संबेद शिखर जी पर आदिवासी समाज मरांग गुरु के रूप में पारसनाथ पर्वत को भी पूजते आए हैं। आदिवासी समुदाय प्रकृति की पूजा अर्चना आदि काल से करते आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जब दोनों समुदाय यानी जैन समुदाय और आदिवासी समुदाय दोनों समुदाय के लोग अगर वर्षों से पारसनाथ में धार्मिक रूप से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं तो फिर यह मामला इतना विवादित क्यों हो चुका है और आदिवासी समाज अब पारसनाथ पर अपनी दावेदारी क्यों कर रहे हैं, जबकि पारसनाथ को लेकर जैन समुदाय यहां दर्जनों मंदिर स्थापित कर चुकी है और यहां जैन समुदाय देश के और विश्व के अलग अलग कोनों से पारसनाथ संबेद शिखर जी पहुंचते रहते हैं। लंका घूरने वाला कोई शर्म है? अरे लंका घूरो तो लंका बैठे रहो एक जगह और कपड़ा नहीं है तो एक पिटा कपड़ा हम खरीद के दे देते हैं, कभी इज्जत तो बचाओ। और आज मैं बता दे रहा हूं ये जैन मुनियों को, कान खोल के सुन लो, अगर लंगे घूमोगे आदिवासी गांव में सीधे। वैसे तो एक दिन पूर्व इस मामले को लेकर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने इस मामले पर दोनों समुदाय एवं सामाजिक संगठनों के बीच एक बैठक की थी, जिसमें सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह विधायक का कहना था इसमें स्वामित्व को लेकर विवाद नहीं है, जिस तरह से पूजा अर्चना की जा रही थी यह यथावत जारी रहेगी। लेकिन उसके दूसरे दिन ही मरांग गुरु बचाव संघर्ष समिति ने पारसनाथ की धरती पर जबरदस्त आक्रोश प्रदर्शन किया। मरांग गुरु बचाव संघर्ष समिति का कहना है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पारसनाथ को जैन तीर्थ स्थल बनाने का वह विरोध करते हैं, क्योंकि पारसनाथ मरांग गुरु का है और इसलिए यहां सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है। आदिवासियों के इस महाजुटान में जुटे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम तो अपने ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। उन्होंने तो यह स्पष्ट कह दिया कि आने वाले दिनों में पारसनाथ मरांग बुरु आदिवासियों के हक के लिए आगामी 24 फरवरी को पूरा झारखंड बंद रहेगा। यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर मोराबादी में दिखाई जाएगी। हम लोग आदिवासी में और खासकर संतालों भाषा भाषी लोग जब भी कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हिरल मारंग गुरु इस शब्द का उच्चारण करते हैं, अर्थात ये हमारा सबसे बड़ा ईश्वर है। आज मारंग गुरु को बचाने का जो हमारा उद्यम है, इसका मतलब है भारत नहीं विश्व के आदिवासियों का अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी को बचाना है। मगर जिस प्रकार जैन वालों ने, जैन धर्मावलंबियों ने हमारे पारसनाथ पहाड़, हमारे ईश्वर को एक प्रकार से हड़प लिया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न आदिवासी संगठन के नेताओं ने मरांग गुरु को यानी पारसनाथ की पर्वत को आदिवासियों का ही बताया है। दूसरी तरफ इस कार्यक्रम में झारखंड में आंदोलनकारी एवं क्रांतिकारी नाम से प्रसिद्ध टाइगर जयराम महतो भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अधिकार की बात है, यहां आदिवासियों के जमीन पर पूंजीपतियों ने अतिक्रमण कर लिया है जो सरासर गलत है। पारसनाथ आदिवासियों का है और यह हक की लड़ाई जारी रहेगी। इस कार्यक्रम में वैसे तो कई आदिवासी संगठन के नेता पहुंचे थे, लेकिन विशेषकर पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, साथ ही हजारों की संख्या में आदिवासी समाज एकजुट हुए थे। चाहेंगे कि अभी तक जो पारसनाथ का विवाद है उसे एक पक्ष ही चापा गया है। आज 50 किलोमीटर डायमीटर की बात हो या 5 किलोमीटर डायमीटर की बात हो, यहाँ जैन समुदाय के जो लोग हैं उनकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी सर्वे को निकालिए, किसी भी रिकॉर्ड को निकालिए, उनका एक भित्ता जमीन नहीं है तो पहाड़ तो दूर की बात है। उनकी आस्था का, उनकी भावना का सम्मान करते हैं। दूसरी बात ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये हमारे देवता का स्थान है, वो तो अलग विषय है, लेकिन इस पहाड़ से प्रतिदिन लगभग 50 गांव
तो चाची प्रखंड, पीरटाण प्रखंड और डुमरी प्रखंड के लगभग 50 गांव के लोग प्रतिदिन हाट बाजार के लिए सामान लेकर आते हैं, चाहे पत्ता हो, दोना हो, केंद भैला पियर हो, या फिर हमारे जो हल की सामग्री हो, या हमारा दतवन हो, या पत्ता पाला हो, या चुकरू पत्ता हो। इस पहाड़ से लगभग 50 गांव के लोग आश्रित हैं। अतः जो केंद्र का फरमान आ रहा है कि यहाँ मवेशी भी प्रवेश ना करें, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और इस लड़ाई को लड़ना होगा। यदि आज हम इस पहाड़ को नहीं बचाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ न जाने कितने मोतीलाल बास्की नजर आएंगे। मोतीलाल बास्की आपको याद होगा, जिनके सीने में इसलिए गोली दाग दी गई थी क्योंकि वो पहाड़ पर पाया गया था। क्या पहाड़ पर चढ़ना हमारा गुनाह है? आज माननीय राज ठाकरे, माननीय ओवैसी साहब को दिखता है अगले समुदाय का दर्द, क्या हमारा नरसंहार किसी को दिखा है? इसलिए आज हम चाहेंगे, माननीय एसपी साहब मौजूद है, माननीय डीएसपी साहब मौजूद है और मीडिया जगत के जितने भी लोग मौजूद है, केवल दो पक्ष रखा जाए, एक पक्ष ना सुनी जाए। ये पहाड़ हमारा है, यहाँ हम सदियों से बास करते हैं, यहाँ से हम लोग, हमारी दिनचर्या का संचालन होता है, ये हमारे आस्था का केंद्र है। अतः हम चाहेंगे अंतिम एक मिनट कहेंगे कि हमने क्या नहीं दिया। जो लोग गुजरात से चल कर आए उन्हें अरबपति बना दिया, जो लोग गुजरात से चल कर आए उन्हें अरबपति बना दिया, और आपने यही पीठ चार के मैं चार बेटों का नाम लूंगा, मिहिर बेसरा, किशोर हासदा, अजय महतो और संजय महतो, आपने नक्सली बना दिया। आपके लोगों को हमने अरबपति बनाया, आपके लोगों को हमने अरबपति बनाया और आपने हमारे बेटों को नक्सली बना दिया। ये खेल कब तक होगा? ये अन्याय का खेल कब तक होगा? इसलिए नौजवानों, समय नहीं है, फिर आंदोलन होगा, हम लोग फिर अपनी बातों को रखेंगे और रणनीति फिर तैयार करेंगे, क्योंकि पिछले साल भर में हमने दिखा दिया है कि आंदोलन के माध्यम से आज झारखंड जिंदा है। इसलिए आज आप लोग भी धैर्य रखेंगे, हम मानते हैं आप युवा अवस्था में हैं, थोड़ी सी आक्रामकता दिखती है, लेकिन अंततः आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग अनुशासन का धीरज रखेंगे, पारसनाथ के लिए अभी हमें बहुत आंदोलन करना है। और तमाम आज जितने भी मीडिया हाउस आए हैं, चाहे प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, उन्हें यही कहना चाहेंगे, जिस समुदाय विशेष की आज यहाँ पक्ष लिया जा रहा है, उनका एक डिसमिल जमीन नहीं है, उन्होंने जहाँ कोठी बनाया है वह सीएनटी की जमीन है, इस बात को भी जानना होगा। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस बात को विस्तार से रखेंगे और लॉजिकली 24 तीर्थंकर होते हैं, मीडिया बंधु आए हैं, पत्रकार की टीम आई है, एक टीम बनाइए, आप सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ 32 से 35 मंदिर है। 24 तीर्थंकर 24 होना चाहिए था, इसलिए शुद्ध रूप से यहाँ केवल कॉर्पोरेट के लिए काम हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद ज्ञापन देते हुए, माननीय एसपी साहब मंच पर है, डीएसपी साहब नीचे है, पत्रकारिता के बंधुगण आए हैं, जितने भी लोग आसपास का हैं सबको जोहार करते हैं। बस यही निवेदन रहेगा, किसी भी सूरत पे कि चंद कोड़ी के लालच में लुट गए हमारे माटी बन, छोड़ हमारी मातृभूमि का, हुआ हमारा विस्थापन, आज दर दर भटक रहे हैं रोजी रोटी मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान। कि जंगल छीना जमीने छीनी, जंगल छीना जमीने छीनी, दांव पेच से लूटा संसार, अरे आप बताओ ऐसी परिस्थिति में कौन नहीं उठाएगा हथियार? जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार मारंगोरो, जोहार कब्सा बाबा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पारसनाथ में धार्मिक रूप से फैले विवाद का हल कब तक निकल पाता है और देश के 25% जीडीपी का हिस्सेदारी रखने वाले जैन समुदाय और झारखंड के जल जंगल और जमीन पर रहने वाले आदिवासी का किस प्रकार हल निकल पाता है। हालांकि पारसनाथ के विवाद को गौर से देखें तो इसमें धार्मिक राजनीतिक साफ साफ दिखाई देती है। पारसनाथ के इस विवाद ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की नींद उड़ा दी है। अब देखना यह होगा कि इस विवाद का निपटारा कब तक हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया।